हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका प्रिय दोस्त एंड आपका होस्ट गौरव, और मैं आज फिर आपके लिए लाया हूं एक और नया फ्रेश फैक्ट्स भरा वीडियो विद अ ट्विस्ट ऑफ मस्ती। हमने स्कूल में कई जानवरों और कई स्पीशीज के बारे में पढ़ा है। जहां प्री स्कूल में हम कैट्स और डॉग्स के बारे में पढ़ते थे, वहीं बड़े होते ये जानवर फीलिस कैटस और कैनिस फेमिलियारिस बन जाते हैं। आप एक बायोलॉजी स्टूडेंट है, आपको इनमें से 1 मिलियन स्पीशीज एक समान ही लगेंगे। और आप में से कितने लोग ये जानते हैं कि रैबिट और हेयर के बीच फर्क क्या होता है? आखिर हम दोनों को खरगोश ही बुलाते हैं, और फ्रॉग और टोड को भी हम मेढक ही बुलाते हैं, लेकिन दोनों में फर्क होता है। टॉर्टोइस और टर्टल दोनों को हम कछुआ ही बुलाते हैं, लेकिन दोनों कछुआ होते नहीं है। और अगर हिंदी भाषा में दोनों जानवरों का नाम सेम है तो अंग्रेजी में क्यों नहीं? दैट्स बिकॉज माई फ्रेंड्स ऑल योर लाइफ यू हैव बीन लिविंग अंडर अ रॉक, और ये जानवर एक ही जानवर नहीं है। तो आज की मेरी वीडियो इज अ बायोलॉजी लेसन फॉर माय उत्सुक ऑडियंस, जिसमें मैं आपको बताऊंगा 20 ऐसे जानवरों के बारे में जो लगते एक ही हैं मगर होते नहीं हैं। सो देर किस बात की फ्रेंड्स, लेट अस प्रोसीड विद अ न्यू वीडियो टाइटल्ड टॉप 20 एनिमल्स ऑफ्टन कंफ्यूज्ड विद वन अनदर। नंबर 1, रैबिट वर्सेस हेयर। दोनों जानवर लेपिरोडे ऑर्डर को बिलोंग करते हैं, और कोई नॉन बायोलॉजी स्टूडेंट इन्हें दूर से देखेगा तो फर्क नहीं बता पाएगा, मगर दोनों जानवर कई रिस्पेक्ट्स में एक दूसरे से अलग होते हैं। हेयर्स आमतौर पे ज्यादा बड़े होते हैं और उनके कान, टांगे और पैर ज्यादा लंबे होते हैं। यही नहीं, हेयर्स रैबिट से ज्यादा तेज भागते हैं। और इसके अलावा अगर आप दोनों जानवरों के फर पे गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि एक हेयर के फर पे ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, और वहीं रैबिट्स का फर स्मूथ और स्पॉट फ्री होता है। नंबर 2, फ्रॉग वर्सेस टोड। ये दोनों जानवर भी सेम ऑर्डर नूरा को बिलोंग करते हैं, लेकिन अगर इन्हें दूर से देखोगे तो फर्क ही नहीं पता पाओगे, क्योंकि दोनों दिखते भी है एक ही जैसे और रहते भी हैं सेम तरह के हैबिटेट में। लेकिन जहां फ्रॉग्स नूरा ऑर्डर्स के सुपर मॉडल्स होते हैं, वहीं टोड्स इस ऑर्डर के भद्दे मेंबर्स में से होते हैं। फ्रॉग्स की स्किन स्मूथ होती है और उनकी टांगे या टोज लंबे होते हैं, और वहीं टोड्स फ्रॉग से बड़े और ज्यादा मोटे होते हैं, और उनकी स्किन पे छोटे छोटे बम्प्स होते हैं। इसके अलावा जहां फ्रॉग्स की आंखें बड़ी और बाहर निकलती सी दिखाई पड़ती है, वहीं टोड्स की आंखें छोटी और अंदर धसी सी होती है। नंबर 3, टर्टल वर्सेस टॉर्टोइस। अब दोनों वैसे कछुए ही होते हैं, लेकिन दोनों कछुए असल में एक ही कछुआ नहीं होते। टर्टल नाम का कछुआ ज्यादातर समुद्र के अंदर ही पाया जाता है, जिसके कारण इस कछुए के पैर वेब्ड होते हैं, बिल्कुल एक बतख की तरह, और इनका शेल थोड़ा सा हल्का, चपटा और स्ट्रीमलाइंड होता है ताकि उसे तैरने में आसानी हो। वहीं टॉर्टोइस नाम के कछुए का शेल बड़ा, भारी और डोम के आकार का होता है। टॉर्टोइसेस पानी में नहीं रहते, वे जमीन पे ही रहना पसंद करते हैं, और इसीलिए उनका शरीर बड़ा और भारी होता है ताकि रफ टेरेन पे उन्हें दिक्कत ना हो। नंबर 4, लेपर्ड वर्सेस चीता। आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों में से कई लोग सोच रहे होंगे कि लेपर्ड को हिंदी में शायद चीता बोलते हैं। अब बहुत से मेरे फ्रेंड्स उन लोगों में से थे, बट द ट्रूथ इज फार मोर डिफरेंट एंड शॉकिंग। लेपर्ड एंड चीता एकदम अलग स्पीशीज को बिलोंग करते हैं। लेपर्ड का साइंटिफिक नेम है पैंथेरा पार्डस, और वहीं चीता का साइंटिफिक नेम है एकिनोनिक्स जुबैटस। लेपर्ड ज्यादा बड़े और भारी होते हैं, और उनके जबड़े ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बड़े होते हैं। वहीं चीता ज्यादा लंबे और हल्के होते हैं, क्योंकि वे स्ट्रेंथ पे नहीं बल्कि स्पीड पे बाजी मारते हैं। इसके अलावा चीता की आंखों के पास टियर लाइंस होती है, और उनका चेहरा ज्यादा छोटा और ज्यादा राउंड होता है। वहीं लेपर्ड्स का चेहरा ब्रॉड होता है, एंड एवरीवन नोज हु इज द फास्टेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड एट अ स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर, चीता। वहीं लेपर्ड्स की स्पीड चीता की स्पीड की आधी होती है। नंबर 5, क्रोकोडाइल वर्सेस एलिगेटर। बचपन में हमने बहुत कोशिश की थी कि क्रोकोडाइल और एलिगेटर के बीच डिफरेंस पहचान पाए, लेकिन नाकाम रहे। एंड हम में से कई लोगों को बचपन में एलिगेटर को क्रोकोडाइल बता के बुद्धू भी बनाया गया है, लेकिन आगे की जनरेशन बुद्धू नहीं बनेगी। एलिगेटर्स और क्रोकोडाइल्स में कई डिफरेंसेस होते हैं जिससे आप फर्क पहचान सकते हैं। जहाँ एलिगेटर्स के जबड़े यू शेप के होते हैं, वहीं क्रोकोडाइल्स के वी शेप के और ज्यादा बड़े होते हैं। एलिगेटर्स आमतौर पे थोड़े छोटे, पतले, लंबे और डार्क कलर के होते हैं, और वहीं क्रोकोडाइल्स का रंग थोड़ा सा हल्का होता है और उनका शरीर ज्यादा भारी और बड़ा। और जहाँ क्रोकोडाइल्स के दांत बड़े मुंह से बाहर निकलते दिखाई पड़ते हैं, एलिगेटर्स के दांत अंदर ही रहते हैं। So now you know how to spot the difference. Number 6, lizard versus salamander. कभी जू में सैलामेंडर देखा तो सोचा है ना, अरे ये तो छिपकली है, क्या बेवकूफ बना रहे हैं ये लोग। बट
सैलामेंडर्स और लिजर्ड्स में काफी डिफरेंसेस होते हैं। जहाँ लिजर्ड्स रेप्टाइल्स होते हैं और जमीन पे ही पाए जाते हैं, वहीं सैलामेंडर्स एम्फीबियंस होते हैं और पानी के अंदर और जमीन दोनों पे पाए जाते हैं। इसके अलावा लिजर्ड सैलामेंडर्स से ज्यादा लंबे होते हैं। जहाँ लिजर्ड्स की स्किन स्केली और रफ होती है, सैलामेंडर्स की स्किन स्मूथ होती है। सैलामेंडर्स के टोज छोटे और राउंड होते हैं, वहीं लिजर्ड्स के टोज लंबे और रबरी से होते हैं। नंबर 7, मॉथ वर्सेस बटरफ्लाई। अब आपको फ्रेंड्स लग रहा होगा कि अरे इनमें तो फर्क करना बहुत ही आसान है, मॉथ्स ब्राउन होते हैं और बटरफ्लाई रंग बिरंगे। लेकिन ब्राउन बटरफ्लाईज का क्या, तब कैसे फर्क कर पाओगे? सो वेल, एवरीथिंग इज पॉसिबल व्हेन गॉड इज हियर। सबसे बड़ा डिफरेंस होता है उनके विंग्स और उनके एंटेना में। मॉथ्स के एंटेना फरी फरी से होते हैं, वहीं बटरफ्लाईज के एंटेना स्मूथ और लंबे होते हैं। जहां बटरफ्लाईज के विंग्स वर्टिकली सीधे एक साथ फोल्ड होते हैं, मॉथ्स के विंग्स टेंट जैसे होते हैं और एक साथ नहीं बल्कि स्लैंटेड तरह से उनके पेट के ऊपर फोल्ड होते हैं। नंबर 8, वैस्प वर्सेस बी। वैस्प मतलब हड्डा और बी मतलब मधुमक्खी। अब आप में से बहुत कम लोगों को ही पता होगा कि वैस्प और बी के बीच में इस डिफरेंस के अलावा भी और डिफरेंसेस है। एंड अगर हड्डा और मधुमक्खी साथ आ जाए तो शायद आप नहीं बता पाएंगे कि कौन सा क्या है। सो लेट मी हेल्प यू आउट हियर। हड्डे जनरली पतले और लंबे होते हैं और उनके पंख भी लंबे और स्ट्रीमलाइन से होते हैं। वहीं मधुमक्खी ज्यादा मोटी और गोल मटोल सी होती है। हड्डों की स्किन स्मूथ होती है और मधुमक्खियों की फरी। इसके अलावा कॉन्ट्ररी टू द पॉपुलर बिलीफ, बीज बहुत एग्रेसिव नहीं होते हैं और आप पर तभी ही हमला करेंगे जब आप उनके लिए खतरा होंगे। वहीं दूसरी तरफ वैस्प्स आपको बाय डिफॉल्ट खतरा समझ के हमला कर देंगी, नो मैटर कितने सभ्य हो आप। नंबर 9, म्यूल वर्सेस डोंकी। कभी खच्चर देखा है? अगर हाँ तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड अ म्यूल। एंड अगर भारत देश में रह के आपने गधा नहीं देखा तो आप ही सबसे बड़े गधे हो। बट अगर आपने खच्चर को देखकर उसे गधा समझ लिया तो आप अकेले नहीं हो। दोनों में कई सिमिलैरिटीज होती है, प्राइमरीली बिकॉज खच्चर असल में एक फीमेल हॉर्स और एक मेल डोंकी का हाइब्रिड होता है। बट इफ यू नो व्हाट टू लुक फॉर, द डिफरेंसेस आर इजी टू स्पॉट। म्यूल्स के कान ज्यादा लंबे होते हैं और उनकी बॉडीज भी डोंकीज के मुकाबले ज्यादा स्ट्रीमलाइंड होती है। डोंकीज की गर्दन जनरली थोड़ी छोटी होती है जिसके कारण वे थोड़े सहमे से दिखते हैं। लेकिन खच्चर हालांकि गधे जैसे नहीं दिखते हैं, मगर उनका गर्दन और शरीर लंबा और शान से ऊंचा होता है। नंबर 10, गोट वर्सेस शीप। अगर आप पहाड़ी इलाकों में रहते हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये दुविधा लोगों को क्यों है। गोट्स और शीप्स यानी बकरियां और भेड़ दोनों बहुत एक समान से दिखाई पड़ते हैं, मगर दे आर एक्चुअली कम्प्लीटली डिफरेंट एनिमल्स। दोनों वेजिटेरियन होते हैं लेकिन उनके खाने का तरीका कुछ अलग होता है। जहां भेड़ एकदम गाय की तरह घास जमीन से बिना सर उठाए चढ़ते रहते हैं और चलते रहते हैं, वहीं बकरियां ज्यादातर पेड़ों की टहनियों पे से पत्तियां खाना पसंद करती है। इनफैक्ट जहां शीप डोंट क्लाइम ट्रीज, गोट्स अपना खाना ढूंढने के लिए पेड़ों पे भी चढ़ जाती है। और इन सब के अलावा द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन अ गोट एंड अ शीप इज द टेल। एक शीप की पूंछ हमेशा नीचे उनके पैरों के बीच झुकी रहेगी और वहीं एक बकरी की पूंछ हमेशा शान से हवा में ऊंची उठी हुई होती है। एंड एक और बहुत बड़ा डिफरेंस ऑब्वियसली उनके फर में होता है। शीप गिव्स वूल, गोट डजंट। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ होता है मेरा आज का ये वीडियो समाप्त। इनमें से कौन से एनिमल्स के बीच का अंतर आपको नहीं पता था? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप और जानवरों के बीच का अंतर जानना चाहते हैं तो वो भी मुझे जरूर बताना, एंड आई शैल ट्राई माय बेस्ट टू क्लैरिफाई योर डाउट्स। और आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई फ्रेंड्स तो एक बिग थम्स अप जरूर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और फन फिल्ड और फैक्ट फिल्ड वीडियोस को आगे भी देखने के लिए। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स। टिल देन टेक केयर एंड जय हिंद।